सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरह से ड्रग एंगल सामने आया, उसके बाद से बॉलीवुड की चमकती दुनिया के पीछे की एक हकीकत लगातार सामने आ गई। इस केस में शुरू से सीबीआई जांच की मांग कर रहे बॉलीवुड और टीवी एक्टर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में खास बातचीत करते हुए ड्रग माफिया पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि एक मीडिया चैनल ने उनसे फोन पर बातचीत की। अध्ययन सुमन से जब ये सवाल किया गया कि आपने कभी बॉलीवुड पार्टीज में ड्रग्स का इस्तेमाल होते हुए देखा है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे कभी ड्रग्स लेने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, लेकिन मैं बॉलीवुड पार्टी में गया था, पार्टी में ड्रग्स देखा था। कुछ गिरोह है, यदि आप ड्रग्स लेना नहीं चाहते तो आप शांत नहीं होते हैं, इसलिए मैंने बॉलीवुड पार्टी में जाना बंद कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कई बड़े बॉलीवुड सितारों को ड्रग्स लेते हुए देखा था। बॉलीवुड के रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, गिरोह का हिस्सा है, मैंने कभी ड्रग्स नहीं किया था। अध्ययन सुमन से सवाल किया गया कि आपको किसी ड्रग पेडलर से संपर्क किया गया है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कभी किसी ड्रग पेडलर ने संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले एक पार्टी में मुझे मेरे ड्रिंक में मेरे दोस्तों द्वारा MDMA दिया गया था बिना जाने समझे, और इसके बाद मैं बहुत अस्वस्थ हो गया था। आपको बता दें कि सुशांत के केस में ड्रग्स का एंगल भी निकल कर आया, जिसकी अभी जांच चल रही है। इस ड्रग एंगल पर कंगना ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री के लगभग 99% लोग ड्रग लेते हैं। वहीं इन दिनों अध्ययन सुमन का एक पुराना इंटरव्यू भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एक बार कंगना ने बर्थडे पार्टी में जब उनको कोकेन देने की कोशिश की, और फिर उनके मना करने पर कंगना ने अंत में उन्हें खूब लड़ाई की थी। आपको बता दें कि अध्ययन का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, और इसके बाद से ही महाराष्ट्र के CM देशमुख का कहना है कि वो कंगना का ड्रग टेस्ट करवाएंगे, जिसके बाद कंगना ने भी ये दावा किया कि आप मेरा ड्रग टेस्ट करवाइए, अगर मेरे ब्लड में कहीं से भी ड्रग निकलता है तो मैं खुद मुंबई छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।